आपको तो तकरीबन हो गए 46 ईयर्स हो गए, बाकी हमारे काम को हो गए अब 80 ईयर्स हो चुके हैं। मैं तीसरी जनरेशन हूँ, बताओ ये काम कर। तो भैया ये कितनी पुरानी है, कुछ थोड़ा बताएंगे इसके बारे में? सर 40 साल पुरानी है। थोड़ा सा तेज बताओ सर। 40 साल पुरानी। 40 साल पुरानी है तो। और भैया भीड़ देख के वैसे भी पता चल ही रहा है कि यहाँ से बहुत ही पुरानी शॉप है ये। और मतलब यहाँ का सबसे बेस्ट चीज़ क्या मानी जाती है खाने के लिए? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपका अपना राहुल और आज हम आए हैं सदर बाजार में। सदर बाजार में हम आए हैं जो कि सबसे फेमस जगह है सदर बाजार की, और मतलब खाने के लिए सबसे पुरानी और सबसे फेमस जगह मानी जाती है सदर में, छोले भटूरे के लिए और राइस के लिए। तो अभी हम चलते हैं अंदर, और अंदर नीतू और गरिमा, जो कि गरिमा नीतू की सिस्टर है, वो वेट कर रही हैं। अंदर चल के हम आपको दिखाते हैं कि बेस्ट क्या क्या मिलता है। पसीने दिख रहे होंगे गर्मी की वजह से। तो भैया ये कितनी पुरानी है, कुछ थोड़ा बताएंगे इसके बारे में? सर 40 साल पुरानी। थोड़ा सा तेज बताओ सर। 40 साल पुरानी। 40 साल पुरानी है तो। और भैया भीड़ देख के वैसे भी पता चल ही रहा है कि यहाँ से बहुत ही पुरानी शॉप है ये। और मतलब यहाँ का सबसे बेस्ट चीज़ क्या मानी जाती है खाने के लिए? छोले भटूरे और सारे आइटम मतलब जो सबसे ज़्यादा जिससे फेमस हुआ था आपका सबसे पहले छोले भटूरे से हुआ था, उसके बाद समोसे, उसके बाद समोसे थे। तो चलो भाई अंदर चलते हैं, छोले भटूरे और समोसे दोनों लगवाते हैं और फिर खा के करते हैं टेस्ट। ये भाई आपको राइस के ऑप्शन भी मिल जाएंगे, समोसे भी मिल जाएंगे, ब्रेड भी, और मीठे में मिलेंगे आपको ये। इधर रखिए पापड़ी चाट, उधर है आइसक्रीम। क्या ऑर्डर किया? कुछ भी ऑर्डर नहीं दिया। तो भाई ये आ गए हमारे छोले भटूरे, जो कि यहाँ के सबसे फेमस है, बालजी रेस्टोरेंट इसका नाम है। और टेस्ट करके भी बताएंगे कि इसका टेस्ट है कैसा। भटूरे बहुत ही बड़े बड़े हैं, मतलब देख सकते हैं, और फ्लफी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो सबसे पहले करेंगे गरिमा मैडम टेस्ट, क्योंकि मेरी तरह पूरी फूडी है ये, जैसा मैं हूँ ऐसी है, और ये थोड़ा खाती हैं कम। तो सबसे पहले मैडम का रिव्यू लेते हैं, उसके बाद फिर दूसरी मैडम का रिव्यू लेते हैं। अचार, उसके ऊपर अनियन। तो भाई मैडम को लगे बढ़िया। मैडम आपकी टन गरम है तो क्या हुआ, कोई नहीं, रिव्यू तो देना। मैं रिव्यू के चक्कर में मुझे लगा, कोई नहीं, लोगों को पता तो चलना चाहिए ना रियलिटी की, भाई इतने गरम गरम आए हैं। तो कैसा है? अच्छा, तुमने तो पहले भी खा रखे ना? मैंने फर्स्ट टाइम खाया। तो गरिमा ने फर्स्ट टाइम खाया, फर्स्ट टाइम के हिसाब से कैसे लगे? काफ़ी अच्छे हैं। तो चलो भाई फटाफट अपनी ये निमटाते हैं, ख़त्म करते हैं, और उसके बाद चलते हैं अपनी दूसरी डेस्टिनेशन पे। अब हम कुछ सीधा मिलेंगे हमारी दूसरी डेस्टिनेशन पे। तो भाई हम आ गए हैं रेवाड़ी स्वीट्स पे, और सबसे पुरानी ये भी मानी जाती है रेवाड़ी स्वीट्स भी, क्योंकि ये भी बहुत ही पहले की है। भीड़ अभी बहुत ज़्यादा है इस पर, एक्सट्रीम भीड़ है जैसे कि देख सकते हो आप। तो चलो चलते हैं अंदर और दिखाते हैं यहाँ पे यहाँ की क्या क्या चीज़ें फेमस। सीट है? सीट नहीं है भैया, सीट मिलेगी, सीट मिलेगी, खाली होगी तब मिलेगी। तो भाई ये भरा हुआ है पूरा अंदर, सीट अपने को मिल नहीं रही है। तो जो हमें यहाँ पे अभी खाना था वो देखेंगे अब खा पाएंगे नहीं खा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही एक्सट्रीम भीड़ है। बड़ी मुश्किल से सीट मिली है, सीट मिल रही थी इस पर, हमने लिमका रख रखी अपनी, क्योंकि गरिमा गई हुई है बाहर और अपने को सीट मिल नहीं रही है अभी। तो वो बाहर से जैसे आएगी आपको दिखाते हैं। और पीछे आप देख सकते हो भाई, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है भाई पीछे की साइड। तो हमने इसी ले लिया है फ्रंट टेबल, और गरिमा कहा थी भैया ऑर्डर ले लो इतने। यहाँ पे कुछ ऐसा सीन है कि पहले बंदा खड़ा नहीं हो रहा, मतलब बंदा खड़ा बाद में हो रहा है, उसकी सीट पहले बुक हो रही है। जैसे अभी ये भैया इधर आए हैं बिल पेमेंट करने के लिए, जैसे ही उठे हैं मतलब भाग भाग के लोग भाग रहे हैं कि सीट दे दो सीट दे दो।
पीछे तक मैं दिखाता हूँ आपको, पीछे तक भाई बहुत ही एक्सट्रीम भीड़ है और हमारा ऑर्डर आने में लगेगा अभी टाइम, क्योंकि बहुत से लोग तो पहले से बैठे हैं जिनका ऑर्डर नहीं मिला है। तो भाई देखते हैं, क्योंकि मैं आया हूँ यहाँ पे पहली बार, नीतू पहले आ चुकी है यहाँ पे और मैंने यहाँ का खाना कभी टेस्ट किया नहीं है, तो देखते हैं इस बार कैसे क्या सीन है और फिर बताएंगे आपको टेस्ट करके यस का खाना कैसा है। तो भाई फाइनली सबसे पहले आई है हमारी लच्छा टोकरी, जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारी लच्छा टोकरी और इसमें डाला हुआ है इन्होंने अनारदाना, चुकंदर और ये आलू की बनती है, जो ये टोकरी होती है ये आलू की बनती है, आलू के लच्छों से बनती है। और अंदर टेस्ट करके बताते हैं कैसा है, ये यहाँ का बहुत ही फेमस बताते हैं और इसकी बर्फी भी बहुत फेमस है, पर वो भी हम खा नहीं पाएंगे। सबसे पहले हमने सिर्फ एक ये लिया है, एक लस्सी इसकी सबसे ज़्यादा फेमस हमने वो भी लिया है और एक लिया है नूडल्स, क्योंकि नूडल्स खाने हैं गरिमा को जो कि नीतू के पहले। तो भाई टेस्ट वाइज तो बहुत ही डिलीशियस है, अभी नीतू इसको ना तोड़ रही है, मतलब जो इसको मिक्स कर रहा होता है वो कर रही है, अभी गरिमा भी आई नहीं है तब तक हम इसको मिक्स करते हैं, उसके बाद फिर गरिमा से भी टेस्ट कराएंगे और उसका भी रिव्यू लेंगे। रिव्यू क्या मतलब, इन दोनों बहनें तो पहले यहाँ पे आके खा चुके हैं, सिर्फ मैंने ही नहीं खाया है, उन दोनों तो पहले आके खा चुके हैं, सिर्फ मैंने ही नहीं खाया ना। और ये मेरे को बहुत पहले से पता है कि रेवाड़ी स्वीट्स नाम से एक सदर बाज़ार में है और बहुत ही फेमस है। ये तो कैसा लगा टेस्ट? एक नंबर। तो तुम तो पहले भी यहाँ पे आके खा चुकी हो? पहले भी खा चुकी, इसलिए तो आज दोबारा ऑर्डर किया, इसीलिए दोबारा किया है। तो गरिमा गाया जो इतनी देर से कर रही थी मेरे को नूडल्स खाने नूडल्स खाने, नूडल्स के टाइम पे पकी वो आ रही है अभी। तो चलो भाई अभी करते हैं ये एंजॉय, जब हमारी नेक्स्ट डिश आएगी तो आपको फिर नेक्स्ट डिश दिखाते हैं। तो ये है भाई वो लस्सी जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं, जो यहाँ की सबसे फेमस मानी जाती है। देख आप ग्लास का साइज ही देखो यार, मतलब ये देखो, ये पहले से जो पानी वाले ग्लास है उससे भी कितना बड़ा है और उससे मतलब तो जो इसकी सर्कल है वो भी बहुत बड़ा है, मतलब चौड़ाई भी बहुत ज़्यादा है। तो ये लगता है कुछ ऐसा दिखने में। अब भाई इसको करेंगे टेस्ट, क्योंकि सबसे फेमस हमें बताई गई है कि यहाँ पे लस्सी मिलती है, तो करते हैं टेस्ट और दिखाते हैं आपको कि कैसी है इसकी लस्सी। ये ऊपर भाई से मलाई की लेयर है, हाँ ये मलाई है पूरी की पूरी, ये रही। तो भाई सबसे पहले मलाई टेस्ट करते हैं। मतलब ये ऐसी लग रही है जैसे रबड़ी नहीं होती, रबड़ी गाढ़ी रबड़ी होती है, तो बिल्कुल उसके जैसा टेस्ट आ रहा है। मतलब भाई लस्सी को तो मैं दूंगा भाई 10 में से 100 marks, अल्टीमेट, बहुत ही अल्टीमेट। और अब आने वाली हमारी नेक्स्ट डिश, ओ भाई नीतू तो इधर फटाफट फटाफट खाया जा रही है, नीतू ये क्या बात होगी भाई, मेरे को भी खाना है भाई, थोड़ा सा वेट तो कर लो। तो मैं अपनी लस्सी का वो दे रहा था रिव्यू, लस्सी यार ज़बरदस्त है नीतू, एक बार देखो। अब भाई नीतू भी बताएगी तुम्हें टेस्ट करके, यही तो ये मिला क्यों रही हो उसकी, यही तो मलाई है मिक्स करके ही नहीं होती, नहीं तभी तो टेस्ट आएगा ही नहीं फिर, रबड़ी रसमलाई होती है ना वो वाला टेस्ट आ रहा है ना। तो भाई गजब की लस्सी है, मतलब मज़े आ गए भाई, मैं तो मैं वही बोल रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ 10 में से 200 marks दे दे इसको, तो 100 भी नहीं 200। तो भाई मैं अपनी लस्सी पे करता हूँ हमला, क्योंकि वरना नीतू इतने कर दे ये ख़त्म, और नीतू अपने खा रही है ये और गरिमा के लिए नूडल्स है। और ये भाई यहाँ की सेकेंड सबसे फेमस चीज़ जो कि है नूडल्स, और नूडल्स मैं खाता नहीं हूँ, नूडल्स मंगाया गरिमा ने, पर उसने कहा था कि राहुल एक मतलब बाइट टेस्ट करके देखना कि तेरे को इतना ज़बरदस्त लगेगा, बहुत मतलब ये दो चीज़ सबसे बेस्ट मानी जाती है, एक नूडल्स एक ये लस्सी, और तीसरी भाई थी जो ये कचौरी। तो भाई मैं सिर्फ एक बाइट इसमें टेस्ट करूँगा, बाकी गरिमा के लिए छोड़ देते हैं, गरिमा अभी भी नहीं आई है, पता नहीं ऐसी क्या ही शॉपिंग कर रही है वो, बाहर उसका वेट कर रहे हैं। तो एक बाइट टेस्ट करने के बाद भाई टेस्ट वाइज है ना अमेजिंग है, सब लोग भी मेरे को यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई शूट कर रहा है, पर भाई क्या कर सकते हैं, यूट्यूबर है तो बेशरम तो बनना पड़ेगा, बेशरम नहीं बनेंगे तो भाई यूट्यूब कैसे चलाएंगे अपना, पर भाई टेस्ट वाइज गजब है गजब। अब यहाँ की अगली चीज़ हमें क्या टेस्ट करनी है, यहाँ पे ना मेरे अभी एक भैया ने बताया जो यहाँ पे काम करते हैं कि आप है ना हमारा कुल्फी फालूदा ट्राई करो, रबड़ी फालूदा नहीं कुल्फी फालूदा, मतलब कुल्फी का उन्होंने रबड़ी फॉर्म में बनाया हुआ है, तो अब हम वो ट्राई करेंगे। ठीक है भाई, तो चलो करते हैं ऑर्डर। ये भाई यहाँ की जो बर्फ़ी वाली रबड़ी होती है वो वाली, जो कि यहाँ की सबसे बेस्ट मानी जाती है, मतलब इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं माना जाता यहाँ पे, क्योंकि मैंने भी खाई हुई है, पापा मेरे ले जाते थे बचपन में यहीं से ही, तो सबसे बेस्ट यही मानी जाती है। भाई मैं तो इसी को खाऊंगा, ली मैंने थोड़ी सी है क्योंकि मेरे को सिर्फ एक ही बाइट टेस्ट करनी है, बाकी जो तो मेरे साथ दो पुराने आए हुए ना ये,
ये छोड़ नहीं रहे कुछ भी खाने के लिए। ये देखो जैसे ये निपटा दिया, वो भी निपटा दिया। तो करते भाई अपना एक बाइट टेस्ट और फिर इनको सौंप देते हैं ये। तो ये भाई इनके पास ऑप्शंस, ये है कुल्फी फलूदा जो मैं बता रहा था, रसमलाई, ये रबड़ी, स्पंज रसगुल्ले, ये भी रसमलाई, और इधर आएंगे सारे बड़े बड़े वाले रसगुल्ले। मतलब जो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है ना, मतलब मेरा बचपन से जो फेवरेट है वो मेरे रसगुल्ले ही रहे हैं हमेशा से, स्टार्टिंग से। जैसे कि ये मर रही है खाने के लिए, सेम मेरी तरह ही उसके वो है ब्लैक वाले फेवरेट नीतू के, और नीतू के भाई के भी ब्लैक वाले फेवरेट है, पर मेरे वाइट वाले फेवरेट है। हम दोनों एक जैसे हैं। हाँ हम दोनों एक जैसे ही हैं, वैसे भी दिखने में भी मोटे मोटे हैं। तो भाई एक सेकंड दिखा दूँ। तो ये भाई यहाँ पे स्वीट्स में ऑप्शन जो भी दिख रहे हैं आपको, थोड़े से और आ गए हैं ये यहाँ पे सारे बर्फी के ऑप्शन। और अभी तो इन्होंने केक भी स्टार्ट कर दिया, मतलब जैसे कि पहले नहीं होते थे, अभी बेकरी का भी इन्होंने तो अपना सारा स्टार्ट कर दिया। तो चले अब अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, अभी कपड़े लेने इनको और मेरे को जाना है तीसरे शूट के लिए। तो चले अपनी तीसरी जगह पे शूट करने साथ साथ। तो ये है भाई जो यहाँ पे है गांधी पकोड़े वाले, जो कि सबसे पुराने और सबसे फेमस है। जैसे कि आप देख सकते हैं इनके पास ऑप्शंस ही इतने सारे हैं, सिर्फ पकोड़ों में देखिए कितने सारे ऑप्शन हैं इनके पास। तो अब हम आपको दिखाते हैं अंदर कैसे क्या बनते हैं और उसके साथ साथ उसको बताएंगे टेस्ट करके भी। अंकल कर रहे हैं हमारे लिए 250 ग्राम हमने जो कराया है, जिसमें कि सारे मिक्स है, जिसमें सोयाबीन चाप भी है, पनीर भी है, आलू भी है और पालक भी है, मिर्ची का भी है, मतलब जितने भी ऑप्शंस होते हैं वो सारे मिक्स हैं। बाकी वो मैं आपको अंदर दिखाऊंगा अभी जब ये दोबारा से यहाँ पे भी है, इसमें फ्राई करते डीप फ्राई, तो वो अंदर दिखाऊंगा कि और क्या क्या चीज़ें थी। अभी अंकल डाल रहे हैं इसमें और उसके बाद फ्राई होने के बाद फिर अंदर दिखाता हूँ आपको। तो भैया कितनी पुरानी शॉप है अपनी ये वाली? शॉप को तो तकरीबन हो गए 46 ईयर्स हो गए, बाकी हमारे काम को हो गए अब 80 ईयर्स हो चुके हैं। मैं तीसरी जनरेशन हूँ, बताओ काम कर रहे हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि तीसरी जनरेशन है जो ये काम कर रहे हैं, मतलब भैया खुद बता रहे हैं कि 80 ईयर्स काम को हो गए और 40 ईयर्स इनकी शॉप को भी हो चुके हैं, जो कि यहाँ पे मतलब ये लगा लो कि मैं मतलब मेरी तो इतनी एज नहीं, मैं तो बचपन से ही सुनता आ रहा हूँ, और उससे भी मैंने जो मेरे से भी बड़े एज में उनसे भी मैंने बहुत सुना है यहाँ के बारे में। इसीलिए हम स्पेशली यहाँ पे आए हैं आज इनकी वैरायटी टेस्ट कर रहे हैं कि क्या क्या ऑप्शन है, कितने सारे ऑप्शन है यहाँ पे। तो भैया यहाँ पे मतलब ये लगा लो कि अभी आप 40 ईयर्स यहाँ पे, आपकी कहीं और भी शॉप है यहाँ पे? नहीं एक ही शॉप है सदर में, यही है। तो सदर में तो भैया इतनी फेमस है कि आप किसी से भी पूछोगे गांधी पकौड़े वाले तो सब एक सेकंड में बताते हैं कि उधर जाओ रास्ता। तो मतलब यहाँ पे तो इतनी फेमस, यहाँ पे नहीं जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ पे भी इतनी फेमस है कि मेरे घर वाले ने भी बचपन से यहाँ से लेके जा रहे हैं। तो मैं पहली बार आया हूँ शॉप पे। तो और क्या क्या ऑप्शन मिलेंगे भैया पकौड़े के अलावा हमें यहाँ पे? ऑल टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स पकौड़े हैं, मशरूम पकौड़े हैं, सोयाबीन चाप के पकौड़े हैं, पनीर का पकौड़ा है, समोसा है, कचौड़ी है, चाउमीन है, उसके अलावा चाय, लस्सी, कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी, दूध, जूस। अच्छा ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे अवेलेबल होंगी। तो अब लगवाते हैं एक बढ़िया सी प्लेट अपनी और उसके बाद हम आपको टेस्ट करके बताते हैं कि कैसा है टेस्ट। क्योंकि हमारे पकौड़े जिसमें के बहुत सारे ऑप्शंस, तो इतने हमसे खाई नहीं देंगे इसलिए हमने एक डिस्पोजेबल प्लेट भी मंगा ली है। ये चटनी मेरे को समझ नहीं आ रही किस चीज़ की है भैया, ये वाली चटनी किस चीज़ की है? ये हरी चटनी है। हरी चटनी है तो इसमें से थोड़ी थोड़ी मेरे को, हाँ पालक की भी स्मेल आ रही है, धनिया की भी, और ये है मीठे वाली चटनी जो होती है, हरी मिर्च का अचार, और ये अपना हरी मिर्च का अचार। तो करें मैडम टेस्ट, अब ये दोनों फटाफट देखना, हाँ हाँ बोल के, और ये पूरा खाली कर देंगे, जितनी भी प्लेट है ना पूरी खाली कर देंगे। जैसे तुम मतलब लग नहीं रहा होगा देख के, पर ये छोड़ेंगे नहीं पक्का, ये भी गारंटी है। तो बताओ मैडम टेस्ट करके, गर्म है? गर्म है तो कोल्ड ड्रिंक निकालो अपनी, सो क्रिस्पी। तो मैडम टेस्ट वाइज कैसा लगा आपको? एक नंबर। तो भाई इनको तो लगा एक नंबर और तुम्हें भाई? तो थोड़ा टेस्ट थोड़ा सा बाइट, क्रिस्पी है लेकिन अंदर से ना बहुत सॉफ्ट है, पनीर है ना। हाँ हाँ तो मेल्ट हो रहा मुँह में बिल्कुल ना। पहली बार मैंने इतने अच्छे पकौड़े खाए, पहली बार खाए हैं तो भाई इसीलिए तो इतना फेमस है इनका नाम, कि मतलब कोई भी इजिली बता रहा है कि गांधी वाले पे जाओ अगर आपको पकौड़े खाने तो।
तो भाई अब बारी आ गई मेरी, अब करता हूँ मैं टेस्ट। और उनसे भी ज़्यादा टेस्टी है ये। तो भाई अब आ गया मेरा नंबर और मैं करके बताता हूँ आपको टेस्ट। ये है आलू का, ये है बैंगन का, ये है कमल ककड़ी, और ये मिर्ची का है, ये पालक का है, ये पनीर का है, ये गोभी है। तो अब करते हैं इनको फटाफट ख़त्म। और ये चावल है, कैसा है चावल? लाओ मेरे को भी टेस्ट कराओ थोड़ा सा। भाई सच में पकौड़े अल्टीमेट है भाई। मतलब मैंने आज तक इतने टेस्टी पकौड़े नहीं खाए, सीरियसली मैंने नहीं खाया आज तक। तो भाई मैं तो इनको दूंगा 10 में से 10 पूरे। ये दोनों फर्स्ट टाइम खा रही हैं, खा मैं भी फर्स्ट टाइम रहा हूँ मतलब यहाँ पे आके। घर पे मैंने खाए हैं क्योंकि पापा काफ़ी बार लेके जाते थे घर पे, तो घर पे मैंने खाए हैं। पर भाई यहाँ पे खाने का अलग ही मज़ा है, बिल्कुल गरम गरम खाने का, जैसे अभी निकल गए हैं और गरम गरम हम लोग खा रहे हैं। अंकल जी आप किस चीज़ के खा रहे हैं? कमल ककड़ी। तो अंकल जी आप मतलब आप पहली बार खा रहे हैं यहाँ पे या पहले भी आते हैं? जब भी अच्छा जब भी आप आते हैं यहीं पे खा के जाते हैं। तो भाई अंकल जी अपना खा रहे हैं और ये लोग अपना निपटाने में लग रहे हैं फटाफट फटाफट, ताकि मेरे लिए कुछ बचे नहीं। बैंगन क्या है? चलो करो टेस्ट। मेरे नाना बहुत खाते थे बैंगन। बैंगन है ना फ्राई, बैंगन भी फ्राई करके होगा इसके अंदर शायद, मेरे को लग रहा है देखने में। बैंगन बैंगन ही नहीं लग रहा। करो तुम भी टेस्ट करो। देख के तो ऐसा लग रहा है मेरे को नॉन वेज चाहिए। मतलब मियोनी टाइप में बिल्कुल वो थोड़ा सा होता ना। थैंक यू भैया, टेस्ट बहुत ही अच्छा लगा मैं। थैंक यू भैया।